ऊपर देखिए शरद पवार हैं, लालू यादव हैं, भूपेश बघेल हैं, एकनाथ शिंदे हैं, तो जितने भी ओबीसी के बड़े बड़े नेता हैं, देखिए फडणवीस हैं, तो ये लोग आज यहाँ पर आए हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। आज हम मौजूद हैं तालकटोरा स्टेडियम में, जहां पर ओबीसी महासंघ का जो है राष्ट्रीय अधिवेशन है, जहां पर तमाम पार्टियों से परे ओबीसी के जो नेता, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, एकनाथ शिंदे हो या फिर शरद पवार हो, सब लोग यहां पर आज जमा हुए हैं। मैं अंदर आपको जाके दिखाऊंगा स्टेडियम में कि कौन कौन लोग आए हुए हैं और ओबीसी का क्या मुद्दा है, वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा। देखिए एक एक करके, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देश भर के ओबीसी जो है जमा हुए हैं आज। और आप देख सकते हैं अभी प्रोग्राम अंदर शुरू होने वाला है और लोग बाहर जो है आए हुए हैं। तो तमाम जो ओबीसी की जातियां हैं आज वो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जमा हुई है, जहां पर आगे दिखाऊंगा कि यहां पर बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, चाहे शरद पवार हो, लालू यादव हो, एकनाथ शिंदे हो, तो ऐसे तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। और जो ओबीसी की भागीदारी को लेकर बात की जा रही है, चाहे आरक्षण हो या फिर उसको लेकर जाति जनगणना हो, ये सारी डिमांड है। इसके अलावा ओबीसी समाज को भी एट्रोसिटी एक्ट में शामिल किया जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, वो तस्वीरें अंदर जाकर दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले देखिए, ये देखिए, ये सातवां राष्ट्रीय महाधिवेशन है ओबीसी का। आप देख सकते हैं ऊपर तस्वीर हैं गौतम बुद्ध की, फूले पेरियार, अम्बेडकर, शिवाजी महाराज, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, साहूजी महाराज, पेरियार, तो जितने भी ओबीसी के बड़े बड़े नेता रहे हैं, लीडर रहे हैं, जो समाज सुधारक रहे हैं, उन सब की तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। और आज ये तालकटोरा स्टेडियम में आज ये प्रोग्राम चल रहा है। और ये देखिए जो मेहमान हैं, जो गेस्ट होंगे, उनमें देखिए ऊपर देखिए शरद पवार हैं, लालू यादव हैं, भूपेश बघेल हैं, एकनाथ शिंदे हैं, तो जितने भी ओबीसी के बड़े बड़े नेता हैं, देखिए फडणवीस हैं, तो ये लोग आज यहाँ पर आए हैं। और अंदर ओबीसी की जो जातीय जनगणना है या आरक्षण को लेकर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव में, पंचायत चुनाव में आरक्षण को हटा दिया गया था, उसको लेकर सीधी सीधी मांग है कि ओबीसी के आरक्षण पर मोहर लगाई जाए। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, ये देखिए शरद पवार हो, लालू यादव हो, तो ओबीसी के तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर आज जमा हुए हैं। अंदर की तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से। चलिए मैं आपको अंदर चलकर दिखाता हूँ कि आज जो है सातवां अधिवेशन चल रहा है, जिसमें अभी अंदर तमाम बड़े बड़े नेता आए हुए हैं और ये भाषण दे रहे हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये देखिए इस टाइम जो है नाना पटोले थे, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भाषण दे रहे थे और उन्होंने भाषण दे दिया। और आप देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ है। अभी लोग लंच चल रहा है, लोग बाहर गए हुए, मैंने बाहर आपको दिखाया था, लेकिन पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज दिल्ली में ओबीसी का सातवां महाधिवेशन हुआ है और तमाम बड़े बड़े लोग, नेता, मंत्री, एडवोकेट जो है आकर बोलकर चले गए। ये देखिए मैं दिखाता हूँ स्टेज पे, हरियाणा के माजी राज्यसभा सदस्य, यहाँ का स्वागत करता हूँ। हमारे माजी राज्यसभा लोकसभा सदस्य हरिभाव राठौड़ जी यहाँ पर आए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। ये तस्वीरें आपको सीधे स्टेज से दिखा रहा हूँ। मैं सचिन राजूकर जी से विनती करता हूँ कि वो स्वागत करें। अभी तमाम स्पीकर जो है बोलकर जा चुके हैं और कुछ और लोग, नेता, मंत्री आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आप बात सीधी साफ है कि जिस तरीके से ओबीसी जागरूक हुआ है, वो दिखाता है कि सरकार मुश्किल में पड़ने वाली है। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, अभी लंच टाइम है, लोग बाहर भी हैं, मैंने आपको दिखाया था कि लोग बाहर भी, इसलिए थोड़ा स्टेडियम खाली है, लेकिन पूरा खचाखच भरा हुआ था। और मैंने आपको दिखाया कि लोग जो है देश भर के लोग आए हुए हैं, चाहे तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु, बिहार हो, यूपी हो,
हर जगह से लोग आए हुए हैं और स्टेज पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग पहुंचे हुए हैं। राजभाव चौधरी, इसके अलावा भी दिखाते हैं हम आपको कि कौन कौन लोग, कौन कौन नेता भाषण देगा, वो सारी चीज़ें आपको चैनल पे देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये है कि दिल्ली में OBC का बड़ा अधिवेशन हुआ है जिसमें कई मांगे सरकार से है, चाहे वो सामने आप मांगे देख सकते हैं। OBC समाज को एट्रोसिटी कानून में समाहित किया जाए, OBC किसानों को वन हक पट्टों के लिए लगाई गई 3 पीढ़ियों की शर्तों को रद्द किया जाए, कृषि क्षेत्र के अलग अलग बजट एवं स्मार्ट ग्राम योजना लागू किया जाए, तो ये सारी डिमांड है। और कुछ डिमांड उधर भी है, OBC समाज की जातीय जनगणना की जाए। जातीय जनगणना जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे अहम मुद्दा है। और स्टेज पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नेता लोग जो है नारेबाजी कर रहे, जय OBC, ये देखिए तस्वीरें खिंचा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं स्टेडियम इतना बड़ा है, पूरे स्टेडियम में सुनाई देता होगा। अरे माइक का किराया नहीं दिया क्या? तो माइक वाला दे ना उधर, माइक बोले। चलिए मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है OBC की जो डिमांड है उसमें क्या क्या डिमांड हो सकती है, ये देखिए। आप महात्मा ज्योतिराव फूले जी का समग्र साहित्य मात्र रुपये मूल्य पर वितरित किया जाए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में LLB है, LLM के छात्र, ऑल इंडिया कोटा में OBC 28% आरक्षण दिया जाए, केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक बजट तैयार करते समय OBC और SC और SC की तरह OBC समाज के लिए भी जनसंख्या के अनुपात वार्षिक बजट में हिस्सा दिया जाए। इसके अलावा ये देखिए, OBC समाज को एट्रोसिटी कानून में समाहित किया जाए, OBC किसानों को वन हक पट्टों के लिए लगाई गई 3 पीढ़ियों की शर्तों को रद्द किया जाए, कृषि के लिए अलग अलग बजट स्मार्ट योजना लागू की जाए। इसके अलावा और ये देखिए मांग, हर तहसील और जिला स्तर पर OBC समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए अलग से छात्रावास की व्यवस्था की जाए, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों से OBC संवर्ग के रिक्त पदों पर अनुशेष भरने के लिए विशेष स्वतंत्र मुहिम चलाई जाए और खाली पद भरने हेतु सख्त कानून बनाया जाए और मॉनिटरिंग कमेटी की स्थापना की जाए। तो इस तरीके की डिमांड है, मांग है सरकार से। जिस तरीके से सरकार जो है आरक्षण विरुद्ध नीतियाँ लागू कर रही है और लेटरल एंट्री के जरिए IAS PACS बनाए जा रहे हैं, जो कॉलेज विश्वविद्यालयों में धीरे धीरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले ही धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करने की जो कोशिश है उसके खिलाफ आज जो है आज यहाँ समाज जमा हुआ है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो है सरकार के लिए काफी समस्या आने वाली है, काफी प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए उन्होंने आज हमें 5:15 to 5:30 के बीच में घर पे बुलाया, जितने भी है वो, तो वो सम्मान हम उनके घर में जाके उनका सम्मान करने वाले हैं। लेकिन उन्हें जो सम्मान पत्र दिया जाने वाला है, मान पत्र, उसका पठन करने के लिए मैं हमारे महामंत्री जी मुकेश कुमार जी नंदन उनको यहाँ निमंत्रित करता हूँ कि उनको जो सम्मान पत्र दिया जाने वाला है उसका यहाँ पर। तो ये देखिए, लालू जी को जो सम्मान पत्र दिया जाना था उसको लेकर लालू जी की तबीयत खराब होने के कारण वहाँ नहीं पाए हैं, अब उनको घर जाके सम्मान पत्र दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वो पढ़कर जोर से बोलिए, ये देखिए, जय OBC। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था तालकटोरा स्टेडियम से, जहाँ पर का एक महाअधिवेशन हो रहा है, जहां पर देश भर के OBC जमा हुए हैं और उनकी मांग है कि निजीकरण रोका जाए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावा OBC को SC/ST कैटेगरी में जैसे उनको एट्रोसिटी एक्ट में लाया जाए, उसी तरह OBC को एट्रोसिटी एक्ट में लाया जाए, छात्रों के लिए छात्र हॉस्टल खोले जाए, ऐसी तमाम मांग है, तमाम डिमांड है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो है OBC जागरूक होता दिख रहा है। ये तस्वीरें थी जो मैंने आपको दिखाई थी तालकटोरा स्टेडियम से, फैसल जनता दिल्ली।